गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आर्टिकल पार्ट फिफ्थ आर्टिकल जो हम पढ़ रहे थे पूर्व वीडियो में, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल के बारे में बताया था। तो हमने पढ़ा था इनडेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल में हमने द को यूज करने के चार नियम पढ़ लिए थे। यानी हम पढ़ रहे थे डेफिनेट आर्टिकल, और इस डेफिनेट आर्टिकल के हमने चार नियम पढ़ लिए थे। मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं कि डेफिनेट आर्टिकल जो है वो सिर्फ एक ही है और वो है द। डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ एक ही है और वो है द। यानी मैंने आपको बताया था ऐसा आर्टिकल जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान की ओर संकेत करता है डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। तो डेफिनेट आर्टिकल हमारा द है, यानी द एक ऐसा आर्टिकल है जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान की तरफ इशारा करता है। अब बात आई इसकी यूज की कि कहां पे यूज होगा, तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में इसके चार रूल्स बता दिए थे, फोर रूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे कि भाई इस तरह से हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आज हम रूल नंबर फाइव से स्टार्ट करेंगे, रूल नंबर फिफ्थ से, कि भाई किस तरह हम जो है द आर्टिकल का यूज कहां करना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो आइए बेटा हम रूल फिफ्थ को जानते हैं, क्या कहता है कि यदि दिशा से ठीक पहले कोई प्रपोजिशन, क्या हो, प्रपोजिशन हो तो द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यानी दिशा अगर कोई भी दिशा है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये दिशा है, तो इनसे ठीक पहले यदि कोई प्रपोजिशन आ रही है तो हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल लेके हम चले, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या है। देखो जैसे ये हमने सेंटेंस लिया, सेंटेंस क्या लिया, ही इज कमिंग फ्रॉम साउथ, यानी वो साउथ की तरफ से आ रहा है। लेकिन बेटा क्या ये वाक्य हमारा सही है, नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखिए बेटा, मैंने एज पर रूल अगर दिशा से ठीक पहले कोई प्रपोजिशन, दिशा से ठीक पहले प्रपोजिशन आ गई, इट मीन्स यहां पे क्या आएगा, द। एग्जैक्ट वाक्य जो करेक्ट वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा बेटा, जो सही वाक्य होगा वो बनेगा ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ। ये वाक्य हमारा सही है। देखो बेटा ये फ्रॉम आ गया, ये साउथ, तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, द आर्टिकल। ठीक है बेटा, समझ आया। अब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, नोट डाउन करो पहले इसको, फिर हम पढ़ेंगे रूल नंबर सिक्स। हाँ तो बेटा छठा नियम क्या कहता है, रूल सिक्स, जब प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब प्रॉपर नाउन से ठीक पहले कोई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी विशेषण हो, तो एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल बताऊं, तो एग्जांपल देखिए, द एग्जांपल मैं आपको बताऊं, द ग्रेट अशोका। देखिए बेटा ये अशोका क्या है, ये हमारा नाउन है, ठीक है। ग्रेट क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, तो नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव आया या नहीं आया, जब नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव आया तो द आर्टिकल का यूज हमने किया। जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल लेके चले, तो यहां पे देखो महात्मा गांधी बापू, ये क्या है, नाउन,
और इससे ठीक पहले क्या आया, ग्रेट। ग्रेट क्या हो गया, एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव हुआ तो हमने द आर्टिकल का प्रयोग यहां पर किया। समझ में बेटा, नोट डाउन कराओ। हाँ तो बेटा, अब रूल नंबर 7 की बारी है। रूल नंबर 7 क्या कहता है, जितने भी समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है यानी न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, उनके नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा, चाहे वो राजस्थान पत्रिका हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम हो, जितने भी समाचार पत्र है जिनको हम रोज पढ़ते हैं, उन समाचार पत्रों के नाम से ठीक पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल में लिख रखा है कि द हिंदुस्तान टाइम, ये एक न्यूज पेपर है और इसके नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग हो गया। इसी तरह राजस्थान पत्रिका और इसके नाम से भी पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। यानी हमें ध्यान ये रखना है, जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं उन सारों के नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा, अब हम रूल नंबर 8 पढ़ेंगे। नियम 8 क्या कहता है, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। देखिए बेटा, जहाज, शिप, वाहन, एरोप्लेन, रेलगाड़ी, ट्रेन आदि के नाम से ठीक पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। यानी जितने भी जहाज है पानी के, जितने भी वायुयान है या जितनी भी ट्रेनें हैं, उनके नाम से ठीक पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है द विक्टोरी, ये एक शिप था, पानी का जहाज था, जहाज है विक्टोरी नाम का, जहाज है पानी का, तो इसके नाम के आगे क्या लग गया, द आर्टिकल। एयर इंडिया फ्लाइट का नाम है, और एयर इंडिया जब एरोप्लेन का नाम है तो उसके नाम के आगे भी द लिखा गया। और एक ये ताज एक्सप्रेस, ये एक ट्रेन का नाम है, तो इसके नाम के आगे भी द लगा। यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी शिप, एरोप्लेन और ट्रेन्स हैं उनके नाम के आगे द आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा, रूल नंबर 9 क्या कहता है, रूल नंबर 9 क्या कहता है, कुछ विशेष प्रांतों और देशों के नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जो विशेष, जिन्हें विशेष दर्जा प्राप्त है उनके नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है पंजाब, पंजाब को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है इसलिए उसके नाम के आगे द आर्टिकल आया। इसी तरह द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को विशेष देश का दर्जा प्राप्त है तो इसलिए इसके आगे द आर्टिकल का प्रयोग है। ठीक है बेटा, यानी ध्यान ही रखना है, कभी कभी एग्जाम के अंदर पंजाब आ जाता है और आता है कि आर्टिकल का प्रयोग करो, या इसी तरह यूनाइटेड स्टेट आ गया, स्टेट ऑफ अमेरिका आ गया, तो हम वहां द का नहीं प्रयोग करके ए एन का प्रयोग कर देते हैं या क्रॉस लगा देते हैं, तो वहां पे हमारा गलत हो जाता है। यानी कुछ विशेष प्रांत और जो देश है उनके नाम के साथ भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। नोट डाउन करो। हाँ बेटा, आप रूल नंबर 10 को देखेंगे। रूल नंबर 10 क्या कहता है, नियम 10, रूल नंबर 10 क्या कहता है, ऐसी वस्तुएं जो संसार में एक ही हैं उनके साथ द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। यानी वो अपने जैसी एक ही वस्तु अवेलेबल है और कोई उसके जैसी नहीं है, तो उस वस्तु के साथ भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां बताया आपको द अर्थ, अर्थ पृथ्वी, संसार में, ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ही है तो उसके लिए द आर्टिकल का प्रयोग होगा। सन, सूर्य, सूर्य भी एक ही है तो द आर्टिकल लगेगा। मून, मून एक भी है, एक ही है तो उसके लिए भी द आर्टिकल लगेगा। इसी तरह स्टार्स जो है, तारे, स्टार्स, उनके लिए भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसी वस्तुएं जो संसार में एक ही है, यानी अपने आप उनके जैसा हूबहू कोई दूसरी चीज नहीं है, तो वहां पे हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नोट डाउन करो। हाँ बेटा, रूल नंबर 11, नियम 11 क्या कहता है, हमेशा जहां भी ऑल और बोथ, दोनों चीजें, ऑल ऑफ बोथ,
किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, ध्यान ये रखना हमको ऑल और बोथ, ये अगर चीजें आई है तो ऑल और बोथ आई है तो इनके तुरंत बाद, पहले नहीं, तुरंत बाद द आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे आप लिख रखा है बोथ द फ्रेंड वर हियर, यानी जो दोनों मित्र थे वो यहां थे, या ऑल द स्टूडेंट आर गोइंग टू देयर होम, यानी जो भी बच्चे हैं वो अपने, जो भी छात्र हैं विद्यार्थी हैं वो अपने घर जा रहे हैं। दोनों वाक्यों में, दोनों सेंटेंस में बोथ भी है और ऑल भी है, और इनके तुरंत बाद हमने क्या लगा दिया है, द। यानी ध्यान ये रखना है कि अगर ऑल और बोथ इनमें से कोई एक चीज आती है तो उसके तुरंत बाद हमें द का प्रयोग करना है। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो इसको। हाँ तो बच्चों, अब हम जानकारी लेते हैं रूल नंबर 12 यानी नियम 12 के बारे में। तो ये कहता है ऐसे प्रॉपर नाउन, क्या प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का तात्पर्य क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, ऐसे प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन की भांति उपयोग में लिए जाते हैं वहां द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। यहां पे हमको ध्यान ही रखना है कि नाउन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर, और उसका यूज जो है, उसका जो उपयोग है वो एक कॉमन नाउन की तरह होना चाहिए। अगर है तो वहां पर हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर देखिए, ये मैंने एग्जांपल लिख रखी है, यहां पे देखिए कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास, कालिदास जो एक नाउन है और उसका उपयोग कैसे कर रखा है उन्होंने, कॉमन नाउन की तरह, शेक्सपियर ऑफ इंडिया ये कॉमन नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है। जब प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह होता है तो वहां पर हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसी तरह दूसरा एग्जांपल मैंने लिख रखा है कश्मीर, जो एक कॉमन नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन है, और इसका यूज कैसे किया है, स्विट्जरलैंड, कॉमन नाउन की तरह। जब किसी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह हो तो वहां पे हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। समझा बेटा, नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा, ये जानते हैं रूल नंबर 13 क्या कहता है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आपको पता है डिग्री जो है, तो सुपरलेटिव डिग्री अगर नहीं पता है तो मैं आपको अगले वीडियो में डिग्री के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे ये सारी सुपरलेटिव डिग्री है, देखो मोस्ट, बेस्ट, बिगेस्ट, ये सारी सुपरलेटिव डिग्री है। मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इससे मोस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो इससे ठीक पहले द आर्टिकल का लगाया। इसी तरह बेस्ट, द बेस्ट बॉय, तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो द का प्रयोग हुआ। द बिगेस्ट सिटी, यहां भी ये बिगेस्ट सुपरलेटिव हो गई, तो द आर्टिकल का प्रयोग हुआ। यानी हमें ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर सुपरलेटिव डिग्री आई हुई है तो हमें सुपरलेटिव डिग्री से जस्ट पहले द आर्टिकल का प्रयोग करना है। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। तो डेफिनेट आर्टिकल का रूल नंबर 14 क्या कह रहा है, आइए उसकी जानकारी लेते हैं। मुख्य ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक जो इतिहास में प्रसिद्ध हो, ऐतिहासिक घटनाओं से पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध, यानी इतिहास की दृष्टि से जो घटनाएं महत्वपूर्ण है उनके आगे द आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, तो उसके आगे भी द आर्टिकल का प्रयोग होगा। यानी जितनी भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, हिस्टोरिकल घटनाएं हैं जितनी भी, उन सभी के आगे द आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा, अब जो इंपोर्टेंट रूल्स है उनमें अंतिम रूल को हम 15 को पढ़ेंगे, जो इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट रूल, रूल नंबर 15 या नियम 15,
ऐसे सरनेम, सरनेम जानते हो, सरनेम का तात्पर्य होता है बेटा जैसे लोग अपने नाम के पीछे लगाते हैं ना शर्मा गोस्वामी, तो वो सरनेम, ऐसे सरनेम जिनसे परिवार के सदस्यों का बोध होता है उनके साथ द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है सरनेम। जैसे द शर्मा, द शर्मा, द सिंह, द जैन, द गोस्वामी, द गोदा, ये इस तरह के जो सरनेम्स होते हैं उनके आगे भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है। यहां पर बेटा मैंने आपको एक नंबर नियम से लेके 15 टोटल नियमों के बारे में अलग अलग वीडियोस के माध्यम से जानकारी दी है। आई होप आपको अब आर्टिकल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आर्टिकल की विस्तृत जानकारी के लिए मेरे द्वारा पूर्व में डाउनलोड पूर्व में बनाए गए वीडियो को आप देखें, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको आर्टिकल अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रपोजिशन के बारे में पढ़ाऊंगा और कई सारी चीजें जो है हम देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव टेंसेस सबकी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू बेटा।